Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. और आज हम लोग मूवी रिव्यू में करने जा रहे हैं रिसेंटली रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर हसीन दिलरुबा, जिसको डायरेक्ट किया है विनिल मैथ्यू ने और इसको लिखा था कनिका ढिल्लन ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है आनंद एल राय ने अंडर बैनर कलर ये प्रोडक्शन। इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट है तापसी पन्नू, हर्षवर्धन राणे, विक्रांत मैसी, आदित्य श्रीवास्तव और आशीष वर्मा। जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे का एक लव ट्रायंगल दिखाया है, जिसमें तापसी पन्नू शादी तो करती है विक्रांत मैसी से, लेकिन विक्रांत मैसी के ही कजन से उनका अफेयर हो जाता है और उसके बाद एक धमाका होता है और उसमें विक्रांत मैसी का हाथ मिलता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों के बीच में ऐसा क्या हुआ और वो धमाका किसने किया, किसकी डेड बॉडी थी, क्या वो हाथ विक्रांत मैसी का ही था, तो ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स पर हसीन दिलरुबा। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विनिल मैथ्यू ने, जो कि इससे पहले हंसी तो फंसी ऐसे फिल्म बना चुके हैं। उस टाइम पे वो फिल्म भी इतने कामयाब नहीं हुई थी और इतने साल के बाद वो फिर से एक फिल्म लेकर आए, जो कि पिछले फिल्म के मुकाबले बहुत डिफरेंट जॉनर है इसका, ये थ्रिलर एक तरह की। बट अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं उनके इस फिल्म में, तो मुझे बहुत स्लो लगी ये फिल्म, क्योंकि बहुत अननेसेसरी सीन्स फिल्म में ऐड किए गए हैं। आई वॉन्ट लाई, लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे तब भी मतलब मूवी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल ही लगी थी। या आप अगर बॉलीवुड मूवीज को फॉलो करते हैं, आप देखते रहते हैं बॉलीवुड की मिस्ट्री मूवीज ये सब, तो आप, मेरे को लगता है कि आपने ट्रेलर देख के प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि क्या होने वाला है स्टोरी में और क्या दिखाने वाले हैं। बट एक तरीका जो मुझे डिफरेंट लगा था कि उन्होंने वो नॉवल वाला जो कॉन्सेप्ट उठाया था कि वो किसी पर्टिकुलर राइटर के लिखे हुए कुछ किसी चीज पे चल रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। उसके अलावा मूवी, मैं बोलूंगी, स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा टिपिकल बॉलीवुड मूवीज जो होती है उस तरह की मूवी है। और अगर आप मिस्ट्री के एंगल से देखना चाहते हो कि जो मिस्ट्री है वो कैसे चल रही है, क्या सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होता है, तो मैं, मुझे लगता है कि आप स्टार्टिंग की स्टोरी और लास्ट का आधा घंटा, बस उसके बीच की जितनी भी स्टोरी है वो ऐसे राउंड एंड राउंड कहीं ना कहीं उसकी जरूरत नहीं थी पूरी फिल्म में, मुझे लगता है, क्योंकि मैं देखूंगा कि कहीं कहीं पे तो बहुत ही अच्छे सिम्बोलिज्म यूज किए गए हैं फिल्म में, लेकिन वो सिम्बोलिज्म का मीनिंग बहुत कम समय के लिए फिल्म में है। फिल्म अगर इन्वेस्टिगेशन के बारे में है, अगर उन लोगों ने उस इन्वेस्टिगेशन को डेप्थ से दिखाया होता तो मुझे लगता है कि वो 2 घंटे 15 मिनट बहुत ही इंटरेस्टिंग बन सकती थी, लेकिन वो 2 घंटे 15 मिनट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बजाय रिलेशनशिप्स को दिखाना शुरू कर दिया, कैरेक्टर्स में दिखाना स्टार्ट कर दिया, डायलॉग्स लिखे हैं स्क्रीन प्ले में, जिससे क्योंकि क्या होता है कि ऐसा तुम पे बात कह रहे हो अपनी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग हुई है पूरी फिल्म के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ओपनली कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं हमको समझ में आ नहीं रहा है। आप जितना इनडायरेक्टली अपनी बात कहते हो ऑडियंस को, वो बात उतनी ही उनको हिट करती है। तो ये बात इस फिल्म में मुझे बहुत, राइटिंग में बहुत कमी लगी मुझे, मतलब आई डोंट अग्री विद दैट कि आप जितना इनडायरेक्टली बोलते हो, बहुत से लोगों को इनडायरेक्टली वाले पॉइंट समझ नहीं आते। मुझे लगता है उन्होंने रादर स्पून फीडिंग के, उन्होंने ना कैरेक्टर्स की डेप्थ में जाने की कोशिश की कि हम लोग ये भी दिखा दें इस कैरेक्टर की शेड, ये वाली शेड भी दिखा दें और ये वाली शेड भी दिखा दें, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो पूरी फिल्म में कैरेक्टर ऐसे स्विच हो रहे कि तापसी पन्नू स्टार्टिंग में वो बहुत मॉडर्न सी और बहुत खुले विचारों वाली और मुफट टाइप की लड़की है, लेकिन वो आफ्टर अ सर्टन टाइम शी इज लाइक, उन्होंने अपना पूरा कैरेक्टर एकदम से स्विच कर दिया, विच इज एक नॉर्मल इंसान के लिए वो बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाएगा कि एकदम से अपना कैरेक्टर छोड़ देना। पता नहीं सिर्फ मेरे लिए, लेकिन मुझे, मेरे लिए इस मूवी के जोक्स जो भी थे वो मेरे लिए कुछ भी काम नहीं किए, मुझे किसी भी ह्यूमर भाषी आई नहीं है, मतलब कोई भी। हाँ, विक्रांत मैसी और उसके, उनके दोस्त के साथ जो उनकी कन्वर्सेशन थी वो मुझे फिर भी एक बार को ना रिलेटेबल सी और लग रही थी, फनी टाइप की लग रही। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन प्ले कमजोर था इस फिल्म का, मुझे ऐसा लगता है, जनरली लगता है कि मुझे फिल्म का स्क्रीन प्ले और राइटिंग बहुत ही कमजोर लगी है, क्योंकि डायलॉग्स अगर जिस तरह से लिखे गए उस तरह से वो डिलीवर भी नहीं हुए हैं। वो जब तापसी पन्नू कोई बात बोल रही है प्यार के ऊपर, इट साउंड सो फेक और वियर्ड। कैरेक्टर उनके कैरेक्टर में ही था या फिर उन्होंने नहीं, पर आप जिस तरह से डायलॉग बोल रहे हो, आप जिस मोमेंट में हो, आप जिस इमोशन में हो और जो डायलॉग बोल रहे हो वो मैच ही नहीं कर रहा है, वो आपके शब्दों से मैच ही नहीं कर रहा है तो आपके इमोशन से। सो मैं वहां कह रहा हूं कि वो बहुत फेक जा रहा है। अगर इस फिल्म में सबसे अच्छा काम किसी का है जो आपको, आपका दिल जीत लेंगे, वो है विक्रांत मैसी। वो तो हमेशा की तरह ही जस्ट He is, मतलब
ही इज जस्ट फैबुलस इन दिस होल फिल्म. तो मुझे लगता है कि हमें हर्षवर्धन राणे की भी बात करनी चाहिए बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी नाइस. उनका स्क्रीन टाइमिंग उनका बहुत ज्यादा नहीं था. मुझे लगा मैंने जब ट्रेलर देखा तो एक बहुत बड़ा रीजन मेरा मूवी देखने का ये भी था कि मुझे हर्षवर्धन राणे की परफॉर्मेंस देखनी थी क्योंकि सनम तेरी कसम के बाद ये वाली सीधा मूवी मैंने देखी है उनकी. बीच में उनकी तैश आई है. हाँ उनकी तैश आई है, मैंने अभी तक वो देखी नहीं है. बट मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गई कि इनको इतना कम स्क्रीन टाइमिंग क्यों दिया है. मतलब उनका कैरेक्टर इवॉल्व होने का टाइम ही नहीं दिया उन्होंने उस हिसाब का. और लेकिन अगर मैं बात करूं सपोर्टिंग एक्टर की तो आदित्य श्रीवास्तव एज इंस्पेक्टर किशोर रावत, देखिए उन्होंने सीआईडी से पहले भी कई फिल्म्स में काम किया, चाहे सत्या हो चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो, वो हर बार अपनी एक परफॉर्मेंस में अपनी छाप छोड़ देते हैं. विक्रांत नरसिंह की फ्रेंड जिसको प्ले किया है आशीष वर्मा ने, वो भी बहुत कम टाइम के लिए आए हैं लेकिन जितने टाइम के लिए आए हैं उन्होंने अपने इमोशंस को सही से दिखाया है जिस तरह की सिचुएशन फिल्म में चल रही है. मुझे ऐसा लगता है नहीं, आई जस्ट लव्ड हिज वर्क. वो अच्छा कर रहे थे, मुझे पसंद आए वो. ऑल्दो मूवी का पेस स्लो है या फिर ये सारी चीजें, बट लोकेशंस जिस हिसाब की हैं, ये जो सेटअप है या फिर लाइटिंग दैट वाज रियल, वो इतना रियल रखा है, वो मुझे पसंद आया. पुलिस स्टेशन को उन लोगों ने बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है, ना कि एक कमर्शियल फिल्म की तरह. अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, अगर आप जैसे वीकेंड्स पे आप फ्री हैं, आप देखना चाहते हैं कोई सिंपल सी मूवी, थोड़ी सी मिस्ट्री टाइप की मूवी हो, तो मुझे लगता है कि उस सेंस में आप देख सकते हैं. लेकिन ओवरऑल मुझे ये मूवी नहीं पसंद आई, उतनी पसंद नहीं आई जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. मतलब कोशिश पूरी की गई है कि वो सस्पेंस बिल्डअप किया जाए, वो सारी चीजें बिल्डअप किया जाए, बट एक सर्टन टाइम के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे टेंशन हुई हो कि ओके किसने किया है ये, वो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, इतनी इजीली प्रेडिक्टेबल थी. और जब फिल्म हम लोगों ने देखी तो मेरा जो निकलता है कंक्लूजन वो ये निकलता है कि ओवरऑल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फिल्म से. और क्योंकि मैं 2 घंटे यही सोच रहा था कि फिल्म कब खत्म होगी, कब असल बात सामने आएगी, क्योंकि इतने सारे सीन्स अननेसेसरी थे. मैं दोबारा पॉइंट बोल रहा हूँ लेकिन क्या करूं, क्योंकि फिल्म में थे सीन्स अननेसेसरी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. और मुझे थोड़ा अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ बेटर फिल्म देखनी पड़ेगी, हो सकता है मैं कोई दोबारा कोई अच्छी फिल्म देख के उसका रिव्यू कर दूं. सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ हसीन दिलरुबा. बाकी आप लोग विच वॉज नॉट हसीन बाकी इस फिल्म को IMDb पे रेटिंग मिली है 5.3. सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में. तब तक आप हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है. और आपको ये मूवी अगर आपने देख ली है या आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कैसी लगी, ये रिव्यू आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. टेक केयर.